दमो शहर में पहली बार एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग का समर कैंप। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों द्वारा प्रशिक्षण का मौका। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें बस स्टैंड के सामने चंदन मोबाइल के बाजू से दमोह। मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश की भाजपा सरकार हरकत में आई है। भाजपा द्वारा प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस मामले पर अपना पक्ष रखा गया। इसी क्रम में दमोह में भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेत्री और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े ने सरकार का पक्ष रखा। लता वानखेड़े का कहना था कि प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ ही हों, जिसके लिए सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका लगाई गई है। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने का आरोप लगाया। साथ ही ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किए जाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसे परिवर्तन किए जिससे ओबीसी को आरक्षण न मिल पाए। दरअसल उच्चतम न्यायालय द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव कराए जाने का फैसला दिया था, जिसके बाद प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका लगाई गई है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री और पदाधिकारी लगातार लोगों के बीच जाकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। और क्या कहा भाजपा नेत्री लता वानखेड़े ने, आइए आपको सुनाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जैसे निर्णय आया उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत दिल्ली गए और उन्होंने वहां पर तो पुनः याचिका दायर की, सोलिसिटर जनरल के साथ मुलाकात की, उनसे चर्चा की और उनकी चर्चा के बाद पुनः जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश में चुनाव कराने और 27% ओबीसी के आरक्षण को कुचलने का काम किया है, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना 27% आरक्षण के हों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबके माध्यम से जनता को यह संदेश देने के लिए आम जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर करने के लिए कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और यह जारी कराया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या केवल 27% है। इस आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज करवाई और उच्च न्यायालय को इस भ्रमित करा और उनके अपने कुत्सित इरादों में वो सफल होने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी पार्टी है और हमने पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुनः कोर्ट में याचिका दायर की और अपना पक्ष रखा और बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, चुनाव होना चाहिए लेकिन 27% आरक्षण के साथ होना चाहिए, इसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी।
ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैडम, सरकार आपकी थी, इलेक्शन आप नहीं करवा पा रहे हो, दोषी कमलनाथ को बोल रहे हैं। देखिए, जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय इलेक्शन का अवसर आया था, उसी समय इलेक्शन होने थे 19 में, लेकिन डर के कारण और अपनी झूठ फरेब की नीति के कारण, अपना जनाधार गिरने के कारण कमलनाथ सरकार ने चुनाव नहीं होने दिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल में जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव के निर्देश दिए, तो तत्काल चुनाव की हमारी सारी तैयारियां हो गई, हमारा आरक्षण हो गया, हमारे परिसीमन हो गया, चुनाव की जितनी भी तैयारियां होती हैं वो हमारी हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने पुनः याचिका दर्ज करा के और चुनाव पर रोक लगा। हेलो रोहन भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? ओए बस ठीक हूँ यार, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सारा दिन घर पे तंग करते रहते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों का समर क्रिएटिव क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। ओए समर क्रिएटिव क्लासेस मतलब? अरे भाई, फिल्मी ड्रोन एंड अनरदास फिल्म्स हमारे शहर दमोह में पहली बार समर क्रिएटिव क्लासेस लेकर आए हैं, जहां सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और फ्यूचर में काम आने वाली बहुत सारी स्किल सिखाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये कौन कौन सी स्किल सिखाते हैं? ये एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग सिखाते हैं और बच्चों को अपना टैलेंट निखारने में मदद करते हैं। ये सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि फ्यूचर में इनका कैसे यूज करना है वो भी बताते हैं। फिल्म और वेब सीरीज में कास्ट होने का चांस भी मिलता है, शॉर्ट स्टोरीज में फीचर्ड रोल प्ले करने का मौका और एडवांस क्लास में प्रमोशन भी मिलता है और लास्ट में बच्चों को बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अरे वाह यार, फिर तो मैं भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा ही लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करवा लो क्योंकि ये क्लासेस दमोह में सिर्फ एक महीने के लिए ही हैं।